हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं फिफ्थ क्लास का हिंदी का लेसन 1 और 2 कराऊंगी। बेटा, आपने पहले लेसन रीड आउट करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज आपने फिर करनी है। स्टूडेंट्स, पहला लेसन है देश हमारा। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया के देशों से न्यारा, स्वयं प्रकृति ने बड़े चाव से इसका मनहर रूप संवारा। है नागराज मुकुट सा सिर पर, धोता रहता चरण समुंदर, अमृत में जल लेकर बहती सुर सरिता की निर्मल धारा। यही सभ्यता थी मुस्काई, ज्ञान ज्योति जिसने इसने छिटकाई, है इतिहास बताता इसको गुरु मानता था जग सारा। भारत पर अभिमान हमें है, हरदम इसका ध्यान हमें है, देश प्रेम का जगमग जगमग चमक रहा मन में उजियारा। बंगाली हो या मद्रासी, चाहे हो पूरब का वासी, भारतवासी भाई भाई का है इतना कितना पावन नारा। इसका मान बढ़ाएंगे हम, सुख की धार बहाएंगे हम, रहे न नंगा भूखा कोई, तब होगा प्रण पूर्ण हमारा। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया के देशों से न्यारा। ये बेटा आपका लेसन था, कविता थी एक। अब इसके आप वर्ड मीनिंग्स देखिए, शब्दार्थ ये अपनी नोटबुक में आप कर लेना। न्यारा अनूठा, मनहर मन को हरने वाला, सुर सरिता देव नदी गंगा, पूरब का वासी, पूरब में क्या है, बिहार पश्चिम बंगाल आसाम नागालैंड, इनके जो निवासी होते हैं वो पूरब के वासी कहलाते हैं। पावन पवित्र, मान सम्मान आदर, प्रण प्रतिज्ञा। ठीक है, अब आप इसकी देखिए, ये सही विकल्प पर निशान लगाने हैं। हमारा देश और देशों से डैश है, प्यारा है, प्यारा और न्यारा दोनों हैं, तो आप दोनों पे टिक लगा लीजिए, प्यारा और न्यारा। सिर पर मुकुट कैसा है, नागराज जैसा, देश प्रेम का मन में चमक रहा है उजियारा। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखिए, या आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, देखिए, भारत माता का रूप किसने संवारा है, प्रकृति ने भारत माता का रूप सवारा है। कविता में कवि ने गंगा नदी के जल को कैसा बताया है, कवि ने गंगा नदी के जल को अमृत तुल्य बताया है। भारतवासी भाई भाई हैं, इस वाक्य से क्या आशय है, भारत में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए कवि ने भारतीयों को भाई भाई कहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कवि ने कविता में देश की शान बढ़ाने के लिए क्या कहा है, कवि ने कहा है हम ज्ञान की ज्योति से देश की शान बढ़ाएंगे। ये आपके इसमें बेटा फोर्थ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए और फिर आप अपनी नोटबुक में इनको कर लीजिएगा। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में करने हैं।